हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूनदाना वड़ा। बनाने में बहुत ही आसान होता है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। आप इन्हें व्रत में भी बना सकते हैं, केवल नॉर्मल नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बारिश के मौसम में आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कप साबूनदाना, जिसको मैं अच्छे से 2-3 पानी में धो लूँगी। इस तरह से पानी डालते हुए एक कोई छन्नी ले लें और अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए आप धो लें, ताकि जो भी गंदगी होगी वो नीचे निकल जाएगी। इस तरह से हम 2-3 पानी से इसको अच्छे से धो लेंगे। एक बाउल में हल्का सा पानी छिड़क कर 4 से 5 घंटे के लिए इसको सोख होने के लिए रख दें। 4-5 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा साबूनदाना अच्छे से दब रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। साबूनदाना वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 4 से 5 आलू, जिसको इस तरह से आप मैश कर लें। अगर आलू टाइट हो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक, ग्रेट किया हुआ हरा धनिया, जीरा, ये कच्चा जीरा है, 1 टेबल स्पून हरा मिर्च, ये मूंगफली के दाने हैं, जिसको मैंने मूंगफली के दानों को 1/2 चम्मच घी डालकर भून लिया था और उसके बाद फिर मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब हम इसको इसी पेस्ट में डाल देंगे। मूंगफली से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ऐड करेंगे हम लेमन जूस 1 टेबल स्पून और अच्छे से इसको मिला लेंगे। खूब अच्छे से आप रगड़ के इसको अच्छे से मिला लें और अब हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे तेल या घी से किसी से भी, और इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसको हमें टिक्की जैसा बनाना है। इस तरह हम बॉल बनाएंगे और दोनों हाथों की मदद से इस तरह करते हुए इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और ये टिक्की जैसा इसका शेप बना लेंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे वड़े बना लेंगे। इस तरह से गोला बनाएं और अच्छे से दबाते हुए, ताकि बाइंड ना खुले, तो इसको एक अच्छा सा बॉल की तरह बना लें और हल्के से हाथों से प्रेस कर दें। और इसी तरह से हम अपने सारे वड़े बना लेंगे और ये सारे वड़े बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं मैंने गैस में तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि गर्म हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं, तेल हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और वड़ों को इसमें डालेंगे। वड़ों को हमें पकाने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम हाई ही रखना है। अगर आप स्लो फ्लेम रखेंगे तो वड़े तेल पिएंगे, इसलिए इस तरह से आप हल्के हाथ से इनको हिलाते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। और आप देखिए हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे बड़े हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सूख जाए। और हम दूसरा बैच भी इसी तरह बनाएंगे। और ये देखिए कितने फूल रहे हैं बड़े हमारे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे और तैयार है हमारे साबूनदाना वड़ा। देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। आप इन्हें चाय के साथ इंजॉय करें। तब तक ले बाय।